First of all, pattern of your paper. The paper contains 20 questions in section A, 20 in section B, 10 questions in section C. ठीक है, आपके टोटल मतलब 50 क्वेश्चंस हो गए जो आपको आएंगे करने के लिए. ईच क्वेश्चन विल बी अ वन मार्क पर पेपर विल बी ऑफ 35 मार्क्स. सो इट विल बी कन्वर्टेड, 50 मार्क्स विल बी कन्वर्टेड इनटू 40 मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. क्वेश्चंस विल बी 50 बट पेपर विल बी ऑफ 40 मार्क्स. कैसे? पहले तो 50 में से स्कोर मिलेगा, उसको कन्वर्ट कर लेंगे हम बाद में. आपका आगे जो 40 जाएगा, ठीक है, वो हम कन्वर्ट करेंगे, आपने थोड़ी करना है. कैसे? अगर एक एमसीक्यू दो नंबर का हुआ ना, फिर तो आपका पेपर 100 मार्क्स का हो जाएगा. हमें तो कम करने हैं ना. डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, 40 में आ जाएगा ना, है? हाँ, होगा 50 मार्क्स का. आपको 50 क्वेश्चंस होंगे पेपर में, ठीक है. तो उसी पैटर्न पे चल रहे हैं, सीबीएसई पैटर्न पे. चलो, जो जो फिजिक्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है. सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी इन अ पेशेंट्स टीथ. कनकेव मिरर, व्हाई? व्हाट इज द रीजन? रीजन गीतांशु बताएगा. व्हाट इज द रीजन व्हाई कनकेव मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द मैग्निफाइड इमेज ऑफ अ कैविटी, वो बताएगा. बिकॉज इट फॉर्म्स द मैग्निफाइड इमेज. क्वेश्चन में नहीं मैग्निफाइड दिया हुआ, तो मैंने वैसे बोल ही दिया था आंसर. बिकॉज इट फॉर्म्स मैग्निफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. बैठ जाओ. 19th है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट. ठीक है, कौन सा इसमें से पैरेलल भी प्रोड्यूस कर सकता है? ऑप्शंस हैं कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर एज वेल एज कनकेव लेंस, टू प्लेन मिरर्स प्लेस एट 90 डिग्री टू ईच अदर, कनकेव मिरर एज वेल एज कनकेव लेंस. तो इसका क्या आएगा? देखो, पहले ये कनकेव मिरर है. अगर सोर्स हमारा फोकस पर पड़ा हो तो लाइट रेज इधर जाएंगी और रिफ्लेक्ट होके पैरेलल आ जाएंगी, तो ये पैरेलल बीम दे सकता है. अगर फोकस पे पड़ा हो सोर्स ऑफ लाइट, तो रेज पीछे जब जाएंगी तो रिफ्लेक्ट होके आगे को निकलेंगी, वो पैरेलल होंगे. सेम वे अगर हम कॉन्वेक्स लेंस देखें, अगर इसपे भी फोकस पे सोर्स पड़ा हो, फोकस पे सोर्स ऑफ लाइट पड़ा हो, तो रेज कैसे जाएंगी? पैरेलल. तो ये भी दे सकता है. ये कौन सा मिरर है? कनकेव लेंस. कौन सा है? कन्वेक्स. तो आपकी ऑप्शन होगी ना, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस. हाँ, इसमें है टू प्लेन मिरर्स प्लेस्ड एट 90 डिग्री टू ईच अदर. तो लाइट फ्रॉम पॉइंट सोर्स जब इंसिडेंट होगी इसके ऊपर, तो क्या वो पैरेलल बीम गिव आउट करेंगे कि नहीं करेंगे? परपेंडिकुलर है. अब पॉइंट सोर्स है सपोज यहाँ पे, ठीक है, एक ऐसे गई रे, एक ऐसे गई, तो फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये ऐसे देगा रेज, तो वो पैरेलल नहीं होगी, वो रेज एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी. सो इट विल नॉट गिव आउट अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट. गॉट दिस? तो इसलिए आपका ऑप्शन है ए, कनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस. सेकंड में दिया कन्वेक्स मिरर कनकेव लेंस, नो, वो तो डाइवर्जिंग होते हैं. और सी नहीं हुआ, कनकेव मिरर एज वेल एज कनकेव लेंस. कनकेव लेंस नहीं होगा उसमें, सो ये होगा. हाँ, ये देखो, अब जैसे कन्वेक्स है, ठीक है, इसमें ये पैरेलल बीम है जैसे, तो ये रेज डाइवर्ज करेंगे,
मतलब पैरेलल मीन नहीं देगा ना ये। हाँ जी, वैसे भी वर्चुअली बन रही है ना इसमें इमेज। इंसिडेंट करना है हमने तो फिर पैरेलल बीम बाहर आना चाहिए। इसमें फोकस में से आता हुआ लगेगा तो पैरेलल जाएगा, ऐसा होगा कुछ। चलो अब है 20th क्वेश्चन। कंसिडर दीज इंडिसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। इंडिसेस ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, प्लूरल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इंडिसेस। ग्लास 1.52, एयर 1.0003, वाटर का 1.333। बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ थ्री मटेरियल्स, अरेंज द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो वो तो पता चल ही जाएगा, सब वही दिए हुए हैं, एयर वाटर एंड ग्लास। सबसे कम लाइट की स्पीड किस में होगी? ग्लास में, फिर वाटर में और फिर एयर में। तो उसके बेसिस पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। क्या है? द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज मोर देन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज मोर देन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। गॉट इट? ठीक है, मतलब इनमें से फिर यही वाली ऑप्शन, जैसे मैं ए बोलती हूँ, हाँ एयर वाटर ग्लास, जैसे मैं ए ऑप्शन बोलती हूँ आपको पता चल जाएगा गलत है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। पहले वाटर है फिर एयर है फिर ग्लास, सीक्वेंस गलत होगी। ठीक है, एयर तो सेंटर में आ ही नहीं सकता। चलिए 21st क्वेश्चन, विवान मुझे बताएगा आंसर। नोट करो कॉपी में, लिखो। इफ अ बीम ऑफ रेड लाइट एंड अ बीम ऑफ वॉयलेट लाइट, दो बीम्स हैं रेड और वॉयलेट लाइट के, आर इंसिडेंट। इफ अ बीम ऑफ रेड लाइट एंड अ बीम ऑफ वॉयलेट लाइट आर इंसिडेंट एट द सेम एंगल, आर इंसिडेंट एट द सेम एंगल ऑन द इंक्लाइंड सरफेस ऑफ अ प्रिज्म, एट द सेम एंगल ऑन द इंक्लाइंड सरफेस ऑफ अ प्रिज्म फ्रॉम एयर एंड प्रोड्यूस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर एंड वी रिस्पेक्टिवली, एंड प्रोड्यूस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वी एंड आर रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। वैसे प्रिज्म जो है ह्यूमन आई का चैप्टर का क्वेश्चन है, प्रिज्म जो है वो इसमें नहीं है लाइट चैप्टर में हमारे, इसमें हमारे सिर्फ मिरर्स और लेंस ही। ठीक है, तो अगर करना चाहते हो तो मैं बता देती हूँ, रहने दे। हाँ, इसमें देखो मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि जब प्रिज्म के ऊपर हम रे डालेंगे, एक सपोज लेजर लाइट है, एक ग्रीन कलर की है, एक रेड लाइट कलर की है, ठीक है, और उनके एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन हैं कॉरेस्पॉन्डिंग दिए हुए, कौन सा करेक्ट होगा? देखो, एक तो आपको ये पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस से हमेशा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्मॉल होता है। जब भी रिफ्रैक्शन होती है, ये सपोज रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही है रे, ये हमारी इंसिडेंट रे है, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, सो आई इज मोर देन आर ऑलवेज। एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्शन के एंगल से हमेशा ग्रेटर होता है, आर कम हो जाता है। प्रिज्म में भी तो ऐसे ही हो रहा है, प्रिज्म में भी ग्लास का प्रिज्म है, रे एयर से आ रही है, वहां भी सेम सिचुएशन ही है, बट कलर का डिफरेंस हो जाएगा उसमें ऐसे होता है, ये ग्लास में एंटर की, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्म, अगेन आर इज लेस देन आई। उन्होंने एंगल ऑफ डिविएशन तो पूछा ही नहीं है, उन्होंने यहाँ पे एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ही पूछे हैं, पर रेड और वायलेट कलर के पूछे। ठीक है, आगे जाके क्या होगा? आगे जाके इमर्ज होगी, डेविएट होगी, रेड कलर डेविएट्स द लीस्ट, वायलेट कलर डेविएट्स मैक्सिमम, सबसे ज्यादा दूर तक नीचे जाता है वायलेट, ऊपर रहता है रेड कलर, उसमें ऐसे होते हैं। हाँ, वेवलेंथ का डिफरेंस है, बिकॉज रेड कलर इज हैविंग मैक्सिमम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, मोर देन 700 नैनोमीटर, और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है 400 नैनोमीटर, मतलब रेंज ऑफ विजिबल लाइट है 400 से 700 नैनोमीटर। वेवलेंथ
वेवलेंथ और स्पीड का इन इटसेल्फ ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। मतलब मैंने आपको आर्टिकल भी करवाया था कि अगर एक रे ऑफ लाइट एयर से किसी मीडियम में चली जाती है तो न्यू वेवलेंथ विल बी द प्रीवियस वेवलेंथ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो इट विल गेट डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब वेवलेंथ कम हो जाती है, स्पीड भी अलग से हम निकाल देते हैं वो भी कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट इज 22nd क्वेश्चन। एग्जामिन द अबव फिगर एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट। इसमें बनाया हुआ है कंकेव मिरर, ध्यान से देखिए। और ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट किया उन्होंने और उन्होंने कहा कि एक ब्लॉक एक मीटर का है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे तीन ब्लॉक्स हैं और यहाँ पे भी तीन है, इसका मतलब फोकल लेंथ कितनी हुई 3 मीटर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हुआ 6 मीटर। और उन्होंने जो ऑब्जेक्ट बनाई हुई है, ऑब्जेक्ट सी पर बनाई हुई है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनाई हुई है सी पर। अब इसका केस आप खुद कंप्लीट कर लो रे डायग्राम, ठीक है, चाहत आओ आप रे डायग्राम कंप्लीट करो उतनी देर। अब निकालना क्या है, मिरर हैज फोकल लेंथ ऑफ डैश सेंटीमीटर एंड वी विल प्रोड्यूस इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन डैश। ये तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही पता लग जाएगा विद द साइन। पहले फोकल लेंथ बताओ, चाहत रे डायग्राम बनाओ जल्दी। फोकल लेंथ कंकेव मिरर है ना, मिरर कौन सा है तुम्हारे सामने, -3, तो फोकल लेंथ है -3 और मैग्निफिकेशन कितनी है, जब सी पे होती है ऑब्जेक्ट तो मैग्निफिकेशन कितनी होती है, +1 की -1, -1। तो इसका मतलब हमारी ऑप्शन सी ए था, मिरर हैज फोकल लेंथ ऑफ -6 सेंटीमीटर मैग्निफिकेशन +1, गलत है। बी है फोकल लेंथ -3 सेंटीमीटर मैग्निफिकेशन -1, ये ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। फोकल लेंथ कितनी है -3 सेंटीमीटर एंड हाउ मच इज द मैग्निफिकेशन -1, माइनस बिकॉज इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, 1 बिकॉज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज द सेम। इमेज कहां बनी, अभी तो एक रे बनाइए ना, कंप्लीट करो इसकी। चलिए नेक्स्ट देखो, आंसर पता चल गया, बी ऑप्शन इज करेक्ट, मैग्निफिकेशन -1, फोकल लेंथ -3 सेंटीमीटर, गॉट इट। अब है ये कंप्लीट कर लो पहले, हाँ जी हो गया आपका, सी पे बनेगी ना इमेज, पर दूसरी रे कहाँ कट कहाँ कर रही है आपको, चलो जाओ जाओ दूसरी रे फोकस में से निकालो और ये यहाँ पे कट करेगी सी पर, इमेज बन जाएगी। नहीं आप जहां से बर्दी कर सकते बस रूल्स फॉलो कर लिए। दिव्यांश बोलो, यस दिव्यांश, दिव्यांश यू रेज हैंड। चलो 23rd क्वेश्चन है, यू आर गिवन अ डायग्राम, ग्लास एयर एयर। अब क्वेश्चन सुनो ध्यान से क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है आपने, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास एट पॉइंट ओ, ठीक है, इन द ऑन द हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब इज व्हाट, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है ओ पॉइंट पे, कितना है, ये वाला नहीं पूछ रहे वो, ये एंगल कितना है 45, 90 डिग्री कैसे, ऑप्शंस तो सारी हैं,
क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट पॉइंट ओ ऑन द हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब। ओ पॉइंट पे भी तो मीडियम चेंज हो रहा है ना, एयर से ग्लास में जा रही है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है आपको लग रहा है? ऑप्शन आ रही है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री। रिफ्लेक्टेड रही है पर आप देख रहे हो कि ये बेंड नहीं हो रही है। 90 नहीं होगा, 0 डिग्री होगा। ये नॉर्मल के लॉन्ग है ना, नॉर्मल है ये। तो अगर आपका आई भी 0 डिग्री है, नॉर्मल के लॉन्ग है ना इंसिडेंट रे, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए रिफ्रैक्शन नहीं होती। फॉर नॉर्मल इंसिडेंस रे डजंट बेंड। इसका मतलब क्योंकि रे बेंड नहीं हो रही है, ये नॉर्मल इंसिडेंस है। यहां से हमें पता चला कि ये नॉर्मल है, पर फॉर नॉर्मल इंसिडेंस रिफ्लेक्शन होती नहीं है क्योंकि यहां पे बेंडिंग नहीं हो रही, बेंडिंग नहीं ना हो रही। यहां से हमें पता चल रहा है क्योंकि रे सीधी जा रही, बेंडिंग नहीं हो रही, जबकि मीडियम चेंज हो रहा है एयर से ग्लास। सोचने वाला क्वेश्चन है और सॉल्व भी नहीं करने की जरूरत है ऐसे ही, बट आपको क्लियर होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री। आंसर इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री। गॉट इट? क्लियर? नेक्स्ट प्रिज्म का क्वेश्चन है, ये सेकंड चैप्टर का है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर असर्शन रीजन स्टार्ट हो गए हैं। इसमें हमारा 34th क्वेश्चन है, वो भी सेकंड चैप्टर का है, अभी तो फर्स्ट चैप्टर का ही आएगा। चलो सुन लो एक बार, जनरल सा ही है। असर्शन, स्काई अपीयर्स ब्लू इन द डे टाइम, पता ही है आपको, ठीक है स्टेटमेंट। और रीजन है व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट Reason is not correct explanation of assertion. तो आपका आंसर आएगा बी पार्ट। गीतांशु आप इधर आ जाओ आगे, ये वाले बेंच पे, फिफ्थ बेंच पे आ जाओ, जल्दी से उठ दो। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 इज इफ द पावर ऑफ अ लेंस इज -4.0 डी। लिखो क्वेश्चन, लिखो इफ द पावर ऑफ अ लेंस इज -4.0 डायोप्टर, इट मींस दैट द लेंस इज, ऑप्शंस आर, कौन सा लेंस है? नेगेटिव है ना, कंकेव लेंस, पर फोकल लेंथ भी दी हुई है, वो निकालो। दो ऑप्शंस कनकेव वाली हैं, दो कन्वेक्स वाली हैं। फोकल लेंथ पे डिपेंड करेगा आंसर, ठीक है? अगर सेंटीमीटर में करना है तो हम 100 बाय कर लेंगे। सो फोकल लेंथ इज कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर आंसर नंबर सी पार्ट ट्रू है। कंकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दी हुई है चारों ऑप्शंस में, तो इसका मतलब आपको मीटर में, सेंटीमीटर में, दोनों में कन्वर्ट करना आना चाहिए। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, रेस फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट। लिखो रेस फ्रॉम सन converge at a point 15 centimeter in front of a concave mirror. At a point 15 centimeter in front of a concave mirror, where should an object be placed so that size of its image is equal to size of the object. मैंने options ही नहीं बोली अभी, कैसे पता? options नहीं, question सुनो पहले, question ऐसा इतना भी simple नहीं है।
Where should an object be placed so that size of image is equal to size of object? क्या दोबारा बोलूं? यही वाला. Rays from sun converge at a point 15 centimeter in front of a concave mirror. पहले ये स्टेटमेंट यूज करोगे आपको कुछ यहां से वैल्यू मिल जाएगी, फोकल लेंथ मिल जाएगी. तो इसका मतलब क्या है? जब रेज आ रही हैं इंफिनिटी से और वो कन्वर्ज कर रही हैं एट द डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, दैट मींस दिस इज फोकल लेंथ, क्योंकि फोकस पर इमेज बनती है जब रेज इंफिनिटी से आती है. आप सिंपल डायग्राम बना सकते हो. तो इसका मतलब फोकल लेंथ मिल गई हमें कनकेव मिरर की माइनस 15 सेंटीमीटर. अब ऑप्शंस हैं, उन्होंने कहा है कि कहां पे अब हम रखें कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज सेम हो. इसका मतलब कहां पे रखेंगे? सी पे. तो इसका सी कहां है? जिसकी फोकल लेंथ 15 है उसका सी कहां है? हाँ, कितना हो? माइनस 30 सेंटीमीटर. चलो अब ऑप्शन सुनो और आंसर दो. ए है 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर. पहली ठीक है, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बिटवीन 15 एंड 30, मोर देन 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर. तो ए पार्ट है, इट इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर. माइनस का उन्होंने दिया ही नहीं है, बस ये कहा हुआ. गॉट दिस पॉइंट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द फोकल लेंथ. उन्होंने लिखा नहीं हुआ कि ये फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर. वो हमें आपको पता होना चाहिए. ये वो वाला केस है कि जब इंफिनिटी पे रेज होती है तो इमेज फोकस पर बनती है. ठीक है कार्तिक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 43 लिखो, न्यूमेरिकल है. 43rd क्वेश्चन. आई वॉन्ट रिपीट विमान. इफ द रियल इमेज ऑफ अ कैंडल, इफ द रियल इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम formed by a lens is, if the real image of a candle flame formed by a lens is 3 times the size of flame, is 3 times the size of flame and the distance between 3 times the size of flame and the distance between lens and image is 80 सेंटीमीटर, 8080, एंड द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज इज 80 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस? एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस? ऑप्शंस आर माइनस 80 सेंटीमीटर, माइनस 40, माइनस 40 बाय 3, माइनस 80 बाय 3 सेंटीमीटर. हाँ, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? मैग्निफिकेशन का. ठीक है, सो लेट्स यूज दैट फॉर्मूला. पहले क्या दिया हुआ है? रियल इमेज का साइज 3 टाइम्स द साइज ऑफ फ्लेम है. तो दैट मींस हाउ मच इज द मैग्निफिकेशन? 3 टाइम्स है, मतलब मैग्निफिकेशन 3 है. और क्योंकि रियल इमेज है इट इज नेगेटिव. मैग्निफिकेशन इज माइनस 3, दैट मींस. किसको ये पॉइंट समझ नहीं आया कि मैग्निफिकेशन हमने माइनस क्यों लिया और 3 क्यों लिया? देखो, मैग्निफिकेशन आपको बताता है कंपैरिजन ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द ऑब्जेक्ट. अगर ये 3 टाइम्स बड़ी है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन 3 है. देखो, ये होती है H2/H1. अब उन्होंने कहा है कि साइज ऑफ इमेज, ये तो पता है ना आपको, 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. इसमें पुट करो, और माइनस क्यों लगाया? क्योंकि रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती. नाउ यू गॉट इट? ठीक है, नहीं कनकेव मिरर है ना, ये लेंस है. हाँ, लेंस है. अच्छा, अब आगे है, डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज इज 80 सेंटीमीटर. ये बिटवीन एफ एंड टू एफ वाला केस होगा. ये देखो ना आप, रियल और मैग्नीफाइड इमेज कब बनती है? जब बिटवीन एफ एंड टू एफ है, बियॉन्ड टू एफ आपकी इमेज बनती है. तो ये बियॉन्ड टू एफ वाला केस होगा. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज
ये दिया हुआ 80 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ, इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज, ठीक है। फिर ये तो वी दिया हुआ है और ये पॉजिटिव आएगा, ये कैसे पता लगा कि ये पॉजिटिव आएगा? रे डायग्राम से पता चला, रे डायग्राम से पता चला ना। सो यू सी कितने इंपॉर्टेंट है रे डायग्राम, राइट? सो दिस इज प्लस 80। नाउ यूज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस, प्लस वी बाई यू माइनस 3 इज 80 ओवर यू। आपको पता चल जाएगा अगर u आपका पॉजिटिव आ रहा है कुछ गड़बड़ हुई है, u नेगेटिव आना चाहिए। तो u इज माइनस 80 बाय 3 सेंटीमीटर, तो आपका लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है, 80 बाय 3 सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक है, चलिए 44th क्वेश्चन नोट कर लो, ये कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। 44th क्वेश्चन में व्हाइल लुकिंग एट अबव डायग्राम नलिनी कंक्लूडेड द फॉलोइंग। अब डायग्राम दिया हुआ है, एक कनकेव मिरर है और एफ एंड सी शो किया हुआ है। ये ऑब्जेक्ट पड़ी, ठीक है, सी से रे बनाई और ये ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है। हाँ बस इतना ही दिया हुआ है। अब देखो, व्हाइल लुकिंग एट द अबव डायग्राम नलिनी कंक्लूडेड द फॉलोइंग, सुन लो क्या क्या है। इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी अ वर्चुअल वन। ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ी है? बिटवीन एफ एंड टू एफ, तो क्या इमेज वर्चुअल होगी? नो। सेकेंड है, रिफ्लेक्टेड रे will travel along the same path as the incident ray but in the opposite direction, yes, क्योंकि C में से ये जो ray बनाई है इन्होंने वापस चली जाएगी, C से ये retrace करती। The image of object will be inverted, yes, and this is a concave mirror and hence the focal length will be negative, ये भी ठीक है। तो अब है, which one of the above statements are correct? 1 and 3, 1 and 2, या 1, 3, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4, तो 2, 3 and 4 हमारा आंसर होगा। पहली गलत थी बस, जिसमें उन्होंने कहा था कि इमेज वर्चुअल है वो गलत थी, बाकी सब ठीक है। हाँ जी, इन्वर्टेड ऐसे है क्योंकि इमेज रियल है ना, रियल इज ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती, ठीक है। तो आपका सी पार्ट करेक्ट है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट। डू यू वांट टू नोट डाउन और यू विल हैव सैंपल बिट, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45th क्वेश्चन ऑन रिफ्रैक्शन थ्रू अ कंपाउंड स्लैब, मल्टीपल रिफ्रैक्शन जो की हुई है। ये बड़ा है, एक क्वेश्चन लिखो पहले छोटा सा, उस दिन शायद मैंने कराया भी था आपको ऐसा। लिखो 46th क्वेश्चन जल्दी से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास इज 1.65, लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास इज 1. फ्लिंट ग्लास, इट्स अ टाइप ऑफ ग्लास, एफ एल आई एन टी, फ्लिंट ग्लास इज 1.65 एंड दैट फॉर एल्कोहल इज 1.36, एल्कोहल का 1.36 विद रिस्पेक्ट टू एयर। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल। चलो जल्दी से अब सॉल्व करो। 3.6 आपको ग्लास का दिया है, फ्लिंट ग्लास का, और आपको एल्कोहल का दिया हुआ है। आपको किसका कैलकुलेट करना है? ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल। क्या फॉर्मूला आएगा? ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर ओवर एल्कोहल का विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो इसको सॉल्व कर लेना है। ऑप्शंस हैं
0.82 तो हो ही नहीं सकता, है ना? 1.21, 1.11, 1.01, 1.21. So the answer is 1.21. लास्ट क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल है, लिखो इसकी स्टेटमेंट. कन्वेक्स लेंस का बस डायग्राम दिया हुआ है, वर्चुअल वाला, जो लास्ट केस में वर्चुअल इमेज बनाता है ना कन्वेक्स लेंस, दैट डायग्राम इज गिवन और उसके साथ एक क्वेश्चन गिवन है. लिख लो, अभी बेल नहीं हुई है, लिखो. अबव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर. नोट करो, एफ कितना है? प्लस 10 सेंटीमीटर, कन्वेक्स लेंस है. ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 mm, H1 दिया हुआ है आपको, प्लस 2 mm. ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 mm इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, u हो गया -5, फ्रॉम द पोल. पोल नहीं होना चाहिए यहाँ, ऑप्टिकल सेंटर होना चाहिए लेंस, है ना. फाइंड द हाइट ऑफ इमेज, फाइंड द हाइट ऑफ इमेज. एच टू निकालना है आपको, यू है -5 सेंटीमीटर. आप ऐसे करो, हाइट को कन्वर्ट कर लो, एच वन 2 mm है, उसको लिखो 0.2 सेंटीमीटर, 1 mm इज 0.1 सेंटीमीटर, तो एच वन होगी आपकी 0.2 सेंटीमीटर, एच टू आपने कैलकुलेट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यूज लेंस फॉर्मूला टू फाइंड वी, use lens formula to find v, then use magnification formula. चलो करो फटाफट, lens formula से v निकालो. हाँ, focal length plus 10. चलो कल करते हैं.